दोस्तों, वेलकम माय चैनल एप्स एंड नेपाल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बताने वाली हूँ आपको कि आपके फेस पे ओपन पोर्स जो हो जाते हैं और जल्दी से नहीं जाते हैं, फेस खराब लगता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सरल मैं एक उपाय लेके आई हूँ जो आप सबकी किचन में मौजूद है। बहुत सिंपल है, बस आपको मैं बता रही हूँ उसी तरीके से करना है और रेगुलर करना है इसको। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले, जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, उसके पास बेल आइकन है वो दबा लो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा। सो थैंक यू, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, ताकि जैसे ही मैं कोई रेमेडी बताती हूँ, सारी की सारी आपके किचन में सामान मौजूद है उन्हीं से बताती हूँ, तो आपको सभी को इसका लाभ मिले, फ़ायदा मिले। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से ऐसे वीडियो लेके आऊँ। सो थैंक यू। बताती हूँ कि मैं क्या बताने वाली, मैं बताने वाली हूँ दही। तो दही खाने में भी फ़ायदा होता है, गर्मियाँ आने ही वाली हैं, सभी के घर में दही होता ही है, क्योंकि हम सब खाते हैं तो ठंडा भी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं लेके आई हूँ दही। तो ये है 1 स्पून दही, ये तो इसमें मैं मिक्स करूँगी रोज वाटर, 1/2 स्पून रोज वाटर करूँगी मिक्स। ये पिंपल को भी दूर करता है और आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं उसको भी दूर करता है। तो इसमें मैंने मिक्स कर लिया, तो अच्छे से इसको ऐसे पेस्ट जैसा बना लूँगी ऐसे। इसको आप, अगर आपको गुलाब जल सूट नहीं करता हो तो आप इसको हाथ पे लेके ऐसे भी मसाज कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो मैंने इसमें गुलाब जल मिलाया और इसका ऐसे पेस्ट बना लिया, ये देखो ये तो बन गया इसका पेस्ट। कितना सिंपल है ना, और आपका घर में सामान भी ये है, और इसका फ़ायदा देखना कितना अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आपको इस पे फेस पे अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आपको इस पे फेस पे ऐसे अप्लाई करना है। यहाँ ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं तो इस जगह पे आपको अच्छे से मसाज करनी है। मसाज कभी भी ज़्यादा ऐसे टाइट टाइट तरीके से नहीं करनी है, सॉफ्ट हाथों से करनी है। और आप डार्क सर्कल पे भी ऐसे अगर आपके हैं तो ऐसे इस तरीके से मसाज करते हुए लगा सकते हो। और आप इसमें डार्क सर्कल के भी बताती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको उसके लिए भी दही लेना है और कॉटन भिगा के आंखों पे रख लेना है शाम में, तो 10 मिनट के लिए उसे छोड़ देना, उसके बाद आपको सो जाना है, तो आपके डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे। और इसको ऐसे मसाज करते रहना है 10 मिनट के लिए, अच्छे से मसाज करनी है ले ले के बार बार। फिर आप देखना, आपको लगातार इसको 7 दिन भी करोगे ना तो भी आपको कैसे इस पे मसाज करते रहना है, 10 मिनट तक इसको मसाज करते रहो और फिर इसको ठंडे वाटर से धुल लो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना भी चाहिए, और दिन में 2 से 3 बार फेस को आप ठंडे वाटर से धुल लो, क्योंकि फेस पे जो गंदगी लग जाती है, धूल उड़ती है, वो सब लग जाती है, तो वो साफ़ होती रहती है। हर बार फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, ठंडे वाटर सिंपल वाटर से धुल लेना है आपको फेस। इससे भी फेस बहुत ग्लो रहता आता है फेस पे, और दाग धब्बे भी नहीं होते हैं फेस पे, झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो और आपको तली भुनी चीज़ें कम खानी है, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो कम खानी है। तो अभी मैं इसको ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ, अभी धुलने नहीं जा रही हूँ, इसको ऐसे साफ़ कर ले रही हूँ। ये देखो फेस पे कितना अच्छा लग रहा ना, ग्लो ग्लो जैसा। और आप इसको रेगुलर करोगे तो और भी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपके फ़ायदा किया कि नहीं किया, ये भी बताना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो इस वजह से। तो आपको अगर दही सूट करता है तो ही आप यूज़ करना, अगर आपको सही सूट नहीं करना करता है तो आप इसको नहीं लगाना। तो आप देखो फेस पे कितना अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि और बच्चे बताए करना, और अपने शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी इस सब चीज़ों के फायदे मिल सकें।